बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, इतने गरीब परिवार में पैदा हुए। मैं जितनी बार उनको पढ़ता हूँ, जितनी बार उनकी जीवनी पढ़ता हूँ, उनके ऊपर इतनी फिल्में बनी हैं, जितनी बार उनकी फिल्में देखता हूँ, मैं समझता हूँ कितना महान व्यक्ति था। इतना संघर्ष कर पहले सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता था। आज सरकारी स्कूलों के बच्चे 90% से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। एक बहुत स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो रही है। हर साल दिल्ली में भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव तो धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलके इतने भव्य तरीके से आज पहली बार भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव मना रही है। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं, संतगण यहाँ आए हुए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। ये आज एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत है और अगली इस साल से हर साल हर वर्ष ये कार्यक्रम इसी तरह से मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि हम उस महान कवि के प्रकटोत्सव को मना रहे हैं और आज हमने उन अपने बच्चों को सम्मानित किया जो बच्चे पढ़ाई के अंदर 90% से ज्यादा नंबर लेके आए हैं। ये अपने आप में अनोखी बात है। पहले सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता था। आज सरकारी स्कूलों के बच्चे 90% से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। एक एक बच्चे से मैं बात कर रहा था। आप लोगों ने सुना जब मैडम वहां से बता रही थी किसी कोई ऑटो ड्राइवर का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, गरीब से गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे, गरीब से गरीब आज 90% से ज्यादा नंबर लेके आए और अब उनकी आंखों में चमक है, उनकी आंखों में सपना है। उनमें कई बच्चे आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। एक लड़की ने बताया वो एयर होस्टेस बनना चाहती है। एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता है। कई सारे बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं। सबकी आंखों में सपने हैं। तो भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव को मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था। भगवान वाल्मीकि मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में, इंसानियत में जितने पृथ्वी के ऊपर प्राणी पैदा हुए उनमें सबसे ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि थे। अभी जैसे बताया गया, संस्कृत का सबसे पहला श्लोक, इस ब्रह्मांड के ऊपर संस्कृत का सबसे पहला श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। संस्कृत का सबसे पहला काव्य ग्रंथ रामायण, जिसको महाकाव्य कहा गया है, आदि काव्य कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। भगवान राम के दोनों बच्चों को शिक्षा देना कोई हंसी खेल नहीं था। भगवान के बच्चों को शिक्षा देना, लव कुश को शिक्षा दी उन्होंने, इतने महान ज्ञानी व्यक्ति। और आप सोच के देखो, अगर वो रामायण नहीं लिखते क्या हमें रामचंद्र जी के बारे में पता चल सकता था? हमें रामचंद्र जी के बारे में कौन बताता? भगवान राम के बारे में कौन बताता? तो सबसे बड़ा योगदान उनका यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को भगवान राम के
बारे में बताया, उनकी पूरी कहानी बताई। ऐसे महान ऋषि, ऐसे भगवान वाल्मीकि के हम सब लोग अनुयायी हैं। वाल्मीकि समाज के दो सबसे बड़े आदर्श हैं, भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब अंबेडकर, और दोनों ने सबसे ज्यादा तवज्जो पढ़ाई को दी है, शिक्षा को दी है। सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को दी है, सबसे ज्यादा तवज्जो दोनों ने पढ़ाई को दी है। अभी स्वामी जी बता रहे थे, उन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने 3 संदेश दिए हैं, नारी सम्मान, पढ़ाई और करुणा। करुणा तो उन 3 संदेशों में भी पढ़ाई के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान, उन्होंने बात कही है। बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, मैं जितनी बार उनको पढ़ता हूं, जितनी बार उनकी जीवनी पढ़ता हूं, उनके ऊपर इतनी फिल्में बनी हैं, जितनी बार उनकी फिल्में देखता हूं, मैं समझता हूं कितना महान व्यक्ति था। इतना इतना संघर्ष कर किया उन्होंने, इतना संघर्ष किया अपने जीवन में। मैं बार बार ये बात कहता हूं, आज फिर दोहराऊंगा, भाई साहब आज के जमाने में, आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी के अंदर अगर आपको अमेरिका से डिग्री लेनी है, नानी याद आ जाती है, आसान नहीं है अमेरिका से डिग्री लेनी, अमेरिका से डॉक्टरेट करनी, पीएचडी करनी आज के जमाने में आसान नहीं है। उन्होंने एक नहीं, दो दो डिग्रियां करी विदेशों से। एक डिग्री ली अमेरिका से, दूसरी डिग्री ली इंग्लैंड से। इंग्लैंड से जब वो डिग्री ले रहे थे, उनके पैसे खत्म हो गए, उनको बीच में डिग्री छोड़ के आनी पड़ी। दोनों उन्होंने स्कॉलरशिप में ली, बीच में उनके पैसे खत्म हो गए, घर में समस्या हो गई, डिग्री छोड़ के आनी पड़ी, फिर दोबारा गए वो डिग्री पूरी करने के लिए इंग्लैंड। तो उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी। ऐसे दो महान व्यक्तियों के अनुयायी होके अगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दें, अगर हम कम पढ़े लिखे रह जाएं, तो ये ठीक बात नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं पैसे भी नहीं मांग रहा, आज आपसे एक वचन मांग रहा हूं। कुछ भी हो जाए, सारे जने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दोगे। दोगे कि नहीं दोगे? दोनों हाथ खड़े करके बताना। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, और सबसे बड़ी आज सबसे बड़ी देशभक्ति यही है, सारे जने अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, अपने अपने बच्चों को लायक बना दो, भारत महान देश बन जाएगा। ये बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, और भारत आगे कैसे बढ़ेगा? सबके बच्चे अच्छे हो गए तो भारत अच्छा हो गया, है कि नहीं है? तो ये अभी तक हमें समस्या थी। समस्या क्या थी? हम सब लोग गरीब हैं, दलित समाज गरीब है, वाल्मीकि समाज गरीब है, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते थे, प्राइवेट स्कूलों की फीसें अनाप शनाप है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खराब होती थी। अब ये बहाना नहीं है, अब सरकारी स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? अच्छे हो गए नहीं हो गए? अब सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। उन्हीं सरकारी स्कूलों से निकल के ये 22 बच्चे आए हैं, जिनको 90% से ऊपर, उन्हीं सरकारी स्कूलों से निकल के ये 22 बच्चे आए हैं जिनके 90% से ज्यादा नंबर आए हैं। तो अब सरकारी स्कूल शानदार हो गए। दो चीजें, एक
अगर आप अपने बच्चे से बचपन में कहीं काम करा रहे हो, इससे बड़ा पाप नहीं है। अपने बच्चे से काम मत करो, उसको स्कूल भेजो, उसकी अच्छी पढ़ाई कराओ। और दूसरा, अगर बच्चा शरारत करता है, पढ़ाई नहीं करता, माँ बाप हो, कान पकड़ने की जरूरत पड़े, कान भी पकड़ना। मेरे माँ बाप ने भी पकड़े थे मेरे कान, तभी मैं अच्छा पढ़ा। लेकिन अच्छी अच्छी पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा। हमने पूरी व्यवस्था कर दी दिल्ली के अंदर, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था कर दी हम लोगों ने। 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल है, शानदार पढ़ाई है, सरकारी स्कूलों में भेजो। अब तो आपको जान के ताज्जुब होगा, इस साल 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं। 2.5 लाख बच्चे, ये तो हमारा डेटा है, 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं। तो सरकारी स्कूल बड़े अच्छे हो गए, एक तो ये बात। 12वीं करने के बाद अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आजकल कोचिंग बड़ी महंगी हो गई है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग कराओ, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रेलवे के पेपर देने हैं, बैंकिंग के पेपर देने हैं, कोचिंग करनी पड़ती है। एक एक कोचिंग में 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। हमने आपके बच्चों के लिए स्कीम बना दी, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, सारा पैसा हम देंगे। पूरे देश में अकेली सरकार है हमारी, अकेली सरकार है, पैदा होने से लेके और ऊपर से ऊपर तक की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया हमने, बता रहा हूं अभी एक एक करके। तो आप एडमिशन लो, हमको आके बता दो, जी मैंने फलाने फलाने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, डॉक्टर बनाना चाहता हूं, फलाना ढिमका जो बनाना चाहते हो आप, वो IAS बनाना चाहता हूं, IPS बनाना चाहता हूं, जो बनाना चाहते हो, बच्चे को एडमिशन दिलाओ, उसकी कोचिंग का सारा खर्चा हमारा। जब बच्चा कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं आपके बच्चे को, कुछ भी गिरवी नहीं रखना, कोई गहने गिरवी नहीं रखने। सरकार आपके बच्चे की तरफ से गारंटी देती है कि अगर ये बच्चा बड़ा होकर अपना लोन वापस नहीं करेगा तो सरकार वापस करेगी। 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ग्रेजुएशन के बाद ये मैंने और राजेंद्र गौतम जी ने बैठ के इसको पूरा बनाया था। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका बच्चा बाबा साहब अंबेडकर की तरह डॉक्टरेट करना चाहता है, अगर आपका बच्चा अमेरिका जाके, अगर आपका बच्चा इंग्लैंड जाके डॉक्टरेट करना चाहता है, PhD करना चाहता है, MTech करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, आपको बाबा साहब अंबेडकर के जितना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप पूरी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाओ, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, विदेशों में आपके बच्चों को पढ़ाने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने और भगवान वाल्मीकि ने एक ही बात कही है, अगर हमें तरक्की करनी है तो तरक्की का रास्ता केवल और केवल शिक्षा से निकलेगा, केवल और केवल पढ़ाई से निकलेगा, नहीं तो तरक्की का रास्ता नहीं निकल सकता। बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि हर दलित बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल के अंदर वो सपना पूरा नहीं हुआ, मैंने कसम खाई है, बाबा साहब अंबेडकर का सपना मैं पूरा करूंगा। तो दोस्तों, त्योहारों का टाइम है, आप सब लोगों को दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं,
दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की, और भी कई सारे त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोरोना पे काबू पाया है। मैडम बार 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 बोल रही थी मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, मास्क पहन लो। मैडम को अपनी चिंता थोड़ी थी, मैडम को तो आप ही की चिंता थी, आप बीमार पड़ जाओगे तो आप ही को अस्पताल जाना पड़ेगा। तो हम सब लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से कोरोना पे काबू पाया है। त्यौहार मनाना, लेकिन पूरे सावधानी के साथ त्यौहार मनाना। आप सब लोगों को फिर से एक बार महर्षि वाल्मीकि जी की प्रकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद आपके सबके परिवार के ऊपर हो। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।